तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र माथुर, आज मैं आपके लेके आया हूँ 2023 वाली क्रेटा और 2024 वाली क्रेटा। आप देख कर बताना भाई कौन सी वाली क्रेटा आपको ज़्यादा अच्छी लगी है, कमेंट्स में बताइए कि भाई कौन सी वाली लेनी चाहिए 2024 में। क्रेटा का कंपैरिजन जैसा कि आप देख रहे हो, ये 2024 वाली क्रेटा है, 2023 वाली जो दोस्तों इनमें फ्रंट में जो लुक आया हुआ है क्रेटा का 2024 का, मेरे को बहुत प्यारा लग रहा है, प्यारा 2023 का भी है, लेकिन सबसे अच्छी अब यही लग रही है क्योंकि वो वाली इतनी पॉपुलर नहीं हुई। जो इससे पहले वाला मॉडल था वो काफ़ी अच्छा चल रहा था, और लेकिन ये वाला जो मॉडल आया 2024 वाला, ये देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। मेरी तो पहली पसंद यही है कि यही लेता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो कि दोनों की चाबी बिल्कुल सेम है, दोनों बेस मॉडल हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, जो इसमें लाइटों का डिजाइन दे रखा है वो देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। इसमें आपको जो ये इंडिकेटर और ये दे रखा है ना आइस क्यूब डिजाइन में, और DRL दे रखे, वो देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। नीचे आपको इसमें प्रोजेक्टर मिल जाती है और नीचे एक और लाइट दी हुई है। लेकिन दोस्तों जो ये 2023 वाला मॉडल था, इसमें नीचे एक ही प्रोजेक्टर दिया हुआ, इसका थ्रो कम मिलता है, इसका ज़्यादा मिलता है, इसलिए मेरे को ये वाली बहुत अच्छी लग रही है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, इसकी जो ग्रिल का डिज़ाइन दे रखा है वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये वाला डिज़ाइन मेरे को काफ़ी प्यारा लग रहा है। और जो इसका नया लोगो दिया हुआ है उसका भी देखने में मैट फिनिशिंग में बहुत ही प्यारा लग रहा है। जो इसकी ग्रिल है वो सिंपल में दी हुई है, लेकिन जो उसकी ग्रिल दी हुई है वो देखने में उसका डिज़ाइन बिल्कुल हटके और बिल्कुल नई जनरेशन के हिसाब से दिया हुआ। ब्लैक में भी बहुत प्यारी लग रही है दोस्तों। इसमें देख के बताइए कि भाई वाइट में लूँ या ब्लैक में लूँ। मेरे को तो वैसे वाइट ही पसंद है, लेकिन आजकल जो पसंद ज़्यादा अच्छा चल रहा कलर वो ब्लैक में चल रहा। दोस्तों जो इसकी ये वाली ग्रिल का गैप दे रखा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा दे रखा है, लेकिन उसकी ग्रिल के मुकाबले इसकी ग्रिल मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है। और फ्रंट प्रोफाइल भी गाड़ी का काफ़ी अच्छा, जो टॉप मॉडल है उसमें कनेक्टेड में मिल जाती है, लेकिन जो बेस है इसमें सिल्वर फिनिशिंग दे रखी है लाइट के बीच में, देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। उसमें आपको ऐसी कोई कनेक्टेड लाइट नहीं मिलती दोस्तों। इसमें नीचे आपको फॉग लैंप नहीं मिलते, उसमें इस वाले मॉडल में आपको 2023 वाले में नीचे फॉग लैंप मिल जाते हैं। जो इसकी आगे से ग्रिल दे रखी है वो बिल्कुल बल्कि लुक में दे रखी है, लेकिन जो उसकी नीचे वाली वो प्लेट दे रखी है वो बिल्कुल कम दे रखी है, ये देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। और आगे से बल्कि लुक भी दिखाई दे रहा, वो थोड़ी कम दिखाई दे रही है। अरे ये वाली गाड़ी आगे से ऊंची लग रही है, लेकिन वो थोड़ी स्लेप में नीचे डाउन में दिखाई दे रही है, लेकिन ये वाला मॉडल मेरे को बहुत प्यारा लग रहा है। और दोस्तों जो इसमें डिज़ाइन दे रखा है वो भी देखने में बहुत ही प्यारा है। यहाँ आपको लाइट नहीं दे रखी है, उसका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लग रहा है, लेकिन यहाँ आपको फॉग लैंप मिल जाते हैं, वहाँ आपको फॉग लैंप नहीं मिलते। लेकिन दोस्तों जो ये सिल्वर में दे रखी है ना आगे से, इसकी वजह से काफ़ी बल्कि लग रही है, उसमें कम लग रही है। जो इसका फ्रंट लुक है वो देखने में बहुत ही प्यारा है, उसके मुकाबले ये ज़्यादा अच्छी लग रही है मेरे को दोस्तों। साइड से बिल्कुल दोनों सेम लग रही है, लेकिन फ्रंट से आप ये नहीं बता सकते कि भाई कौन सी वाली अच्छी है। सबसे अच्छी तो मेरे को 2024 वाली लग रही है, जो साइड प्रोफाइल है गाड़ियों का दोनों का सेम है, देखने में बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा कि भाई ये अलग है और ये वो वाली अलग है। जैसा कि इसमें सिल्वर फिनिशिंग दे रखी है साइड में, वही 2023 वाले मॉडल में दे रखी है, यहाँ से बिल्कुल सेम फिनिशिंग दे रखी है। इसमें आपको पहले क्रोम मिल जाता था, अब इसमें क्रोम भी नहीं देती। बॉडी कलर में आपको इसमें ORVM मिल जाते हैं, उसमें भी बॉडी कलर में ORVM दिए हुए हैं, लेकिन इसमें आपको यहाँ इंडिकेटर मिल जाते थे, इसमें यहाँ दे रखे हैं बेस मॉडल में। जो टायर साइज दे रखा है वो दोस्तों इनमें दोनों में सेम दे रखा है, इसमें भी 16 इंच के मिल जाते हैं रिम, और इसमें भी 16 इंच के मिलते हैं। टायर साइज दोनों का सेम है, साइड प्रोफाइल गाड़ी की दोनों की सेम है बिल्कुल।
आइए दोस्तों, मैं आपको पीछे और दिखा देता हूँ इसमें पीछे से कितना क्या होता है। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे होंगे इसमें बिल्कुल पीछे से बिल्कुल चेंज कर रखा है। जैसे कि ये 2023 वाला मॉडल है ये देखिए, और 2024 वाले में जो लाइटों का और डिग्गी है बिल्कुल चेंज कर रखी है, थोड़ा ऐसा भी वो नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ही चेंज है। कोई बता सकता है कि भाई अपग्रेड की है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल चेंज कर रखा मामला। जो दोस्तों 2023 में ये जो लाइट दे रखी थी उस इसमें कनेक्टेड लाइट दी हुई है, देखने में बहुत ही प्यारी और यूनिक डिजाइन दिया हुआ है। इसमें जो लोगो था वो बाहर है, उसमें लाइटें हैं उन्हीं के अंदर बिल्कुल फिक्स कर रखा है। इसमें सिल्वर में मिल जाता है, उसमें क्रोम में दिया हुआ था। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ जो क्रेटा दिया हुआ है वो बाहर लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ यहाँ आपको छोटा करके दे दिया है। पहले आया हुआ ट्रेंड चल रहा था कि भाई क्रेटा बड़ा बड़ा लिखा था, लेकिन अब वापिस क्रेटा को छोटा करके दिया हुआ है। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ आपको पार्किंग जो लाइट दी हुई है नीचे दी हुई है, इस वाले मॉडल में आपको बीच में मिलती है। और दोस्तों पीछे से बिल्कुल गाड़ी बल्कि लुक दिखाई दे रही है, देखने में गाड़ी का बहुत ही प्यारा डिजाइन लग रहा है। उसकी लाइटें आपको साइड में मिल जाती है, और जो सिल्वर फिनिशिंग दे रखी है वो भी देखने में प्यारी लग रही है, लेकिन जो इसकी सिल्वर फिनिशिंग दे रखी है वो गाड़ी को और ज़्यादा बल्कि बना रही है। इसके नंबर ये नंबर 1 पे आई हुई है, अब वो नंबर 2 पे चली गई है, देखने में डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है। दोस्तों जो इसमें स्पॉइलर दे रखा है वो भी देखने में बहुत ही प्यारा है, जो इसका स्पॉइलर है वो भी प्यारा है, लेकिन इसमें आपको लाइट नहीं मिलती, बीच में उसमें आप में लाइट मिल जाती है। आइए दोस्तों मैं आपको इसका इंटीरियर और दिखा देता हूँ। आइए दोस्तों मैं आपको इसका अंदर से इंटीरियर और दिखा देता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होगे जो इसका इंटीरियर दिया हुआ है वो भी देखने में बहुत प्यारा है, लेकिन जो अब नई वाली क्रेटा आई हुई है उसका डिज़ाइन देखने में इससे भी प्यारा है। आइए दोस्तों मैं आपको उसका और इंटीरियर दिखा देता हूँ। आइए दोस्तों मैं आपको इसका अंदर से इंटीरियर दिखा देता हूँ, देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। जो इसका इंटीरियर है बिल्कुल चेंज कर रखा हो पुराने वाली 2023 क्रेटा के मुकाबले, इसका इंटीरियर और ज़्यादा प्रीमियम फील करवा रहा है। इसमें आपको बिल्कुल कनेक्टेड में लाइट मिलती है, और जो इसका मीटर का डिज़ाइन दे रखा है वो भी बिल्कुल हटके दिया है, उससे बिल्कुल जो ओल्ड है उसके मुकाबले न्यू वाला इंटीरियर बहुत ही प्यारा लग रहा है। जो दोस्तों इसमें जो कलर दे रखा है ग्रे और पीच कलर क्रीम कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है, यहाँ आपको और स्पेस मिल जाता है। जो इसका एसी का डिज़ाइन दे रखा है वो भी बहुत प्यारा लग रहा है, और जो ये वाला कनेक्टिंग में दे रखा है जो इसका स्टीयरिंग दे रखा है उसका भी कलर देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। जो दोस्तों इसमें आप अपने हिसाब से काम करवाएंगे वो बिल्कुल प्रीमियम फील करवाएगा, इसका इंटीरियर देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो नए वाली क्रेटा है इसका भी इंटीरियर देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, और इसमें जो म्यूजिक सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है, और जो इसमें फ्यूल के लिए दिया हुआ था वो वैसे दिखाई देता था डंडी वाला, लेकिन उसमें डिजिटल वाला दिया हुआ है, डिजिटल दिया हुआ है। और इसमें आपको और बहुत सारे फीचर ऐड किए हुए हैं। जो इसकी लाइट इसका मीटर का डिज़ाइन भी देखने में बहुत प्यारा, कितनी अच्छी लाइटें वो रखी हैं इसमें। दोस्तों आप अपना जैसे कुछ भी यहाँ लगा सकते हैं, वो फिक्स हो जाएगा। यहाँ जो अंदर से लाइटें दिखाई दे रही है बिल्कुल यूनिक सी लाइटें लग रही है। यहाँ आर्म रेस्ट मिल जाता है, उसका साइज भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ, ग्लो बॉक्स का साइज भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ, देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इसमें आपको जैसा कि आपको मालूम है बेस मॉडल है, इसमें आपको डंडियों का डिज़ाइन मिलता है, इसमें आपको 6 एयर बैग मिल जाते हैं। दोस्तों जो इसमें फैब्रिक दे रखा है वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का दे रखा है, और जो हेडरेस्ट दे रखे हैं उनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये इसमें बेस मॉडल में आपको मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता वाले 2024 वाले मॉडल में। दोस्तों इसमें प्लेन वाला मीटर मिलता था, जैसा कि आप देख रहे हो फुल टैंक में इसमें कैसे दिखा रखा, लेकिन 2024 वाले में डिजिटल में दिया हुआ है,
और दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, जो इसमें म्यूजिक सिस्टम आता है, जो मीटर है उससे अलग होके आता है, लेकिन उसमें बिल्कुल कनेक्टेड वाला दिया हुआ है। देखने में बहुत ही प्यारा इंटीरियर लग रहा है उसका। दोस्तों इसमें जो ग्लो बॉक्स का साइज आता है वो भी, जो आर्म रेस्ट का साइज आता है वो काफी अच्छा आता है, लेकिन उसमें बहुत ही प्यारा आया हुआ है। जैसा कि आपको मालूम है उसमें बीच कलर में मिल जाता है, इसमें आपको ब्लैक में दिया हुआ है। फैब्रिक दोस्तों इसका भी अच्छा है, लेकिन उसका काफी प्रीमियम फील करवा रहा है। म्यूजिक सिस्टम है वो इस प्रकार का दिया हुआ है, इसमें ऑटो में एसी नहीं मिलता, मैनुअल में है ये। और ग्लो बॉक्स का साइज भी काफी अच्छा दिया हुआ है, और स्टेयरिंग जो ये वाला स्टेयरिंग है वो भी काफी अच्छा, लेकिन जो वो वाला स्टेयरिंग है वो और ज्यादा प्रीमियम फील करवा रहा है। आइए दोस्तों मैं आपको इसका अंदर से और दिखा देता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो 2024 वाला है क्रेटा का नया वर्जन, और आप देख रहे हो बिल्कुल अंदर से बिल्कुल प्रीमियम फील करवा रहा है। जो इसकी सीटों दी हुई है वो भी बहुत ही प्यारी है। आपको बेस मॉडल में ही आपको इसमें आर्म रेस्ट मिल जाता है पीछे वाली सीट पे, और जो एसी के बोलेरो का डिजाइन दे रखा है वो भी देखने में बहुत ही प्यारा है। स्पेस की गाड़ी में किसी प्रकार की कमी नहीं है। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है मेरी हाइट 5'11" है, उसके हिसाब से काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, और दोस्तों नी स्पेस भी काफी अच्छा है, और आर्म रेस्ट पीछे वाली रो में इसकी खूबसूरती को और इन्हेंस कर रहा है। पीछे वाली रो काफी अच्छी दी हुई है, काफी कंफर्टेबल। जो हेडरेस्ट दिए हुए हैं उनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको जो 4 रेस्ट हेडरेस्ट दिए हुए हैं वो काफी अच्छे दिए हुए हैं। जो आप अंदर से बाहर की तरफ व्यू देखते हो देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। इस वाला और दिखा देता हूँ दोस्तों। जैसे कि आप देख लोगे इसे ऊपर वाला मॉडल है, इसमें आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है, लेकिन दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे उसमें स्पेस ज्यादा मिल रहा है आपको, यहाँ आपको नहीं स्पेस थोड़ा कम मिलता है, लेकिन उसमें आपको ज्यादा मिल रहा है। जैसे कि दोस्तों मेरी हाइट 5'11" है, यहाँ भी आपको काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। और दोस्तों जो इसमें हेडरेस्ट दिए हुए हैं उनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपको 4 हेडरेस्ट दिए हुए हैं, उनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों आपको एसी केबल और मिल जाते हैं, आप फोन वगैरह रखने के लिए स्पेस दिया हुआ है। और दोस्तों जो आगे से पीछे से आगे का व्यू है वो भी देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। दोस्तों जो इसका बूट स्पेस है और उसका बूट स्पेस है दोनों का सेम है, इसमें आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलती, और गाड़ी का बूट स्पेस काफी अच्छा दे रखा है। आप 4-5 बड़े बड़े बैग आराम से रख सकते हैं, इसमें स्पेस की किसी प्रकार की कमी नहीं है। इसमें आपको लाइट नहीं मिलती अंदर। दोस्तों इसमें आप अगले वाली सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और 60-40 में और ज्यादा डिक्लाइन हो जाती है, इससे आप एक स्टेप और बैक में कर सकते हैं। टू पोजीशन है, इसमें आप इसको और थोड़ा पीछे कर सकते हैं, और बैठने में काफी रिलैक्स फील करवाती है। ये वाला फीचर सिर्फ 2024 वाले मॉडल में मिलता है, 2023 वाले में नहीं है। दोस्तों स्पेस दोनों में बराबर है, इसमें जो 2023 वाले में इसमें स्पेस उतना ही मिलता है, लेकिन इसमें आपको यहाँ लाइट मिल जाती है, उस वाले मॉडल में आपको लाइट नहीं मिलती। और जो इन वाली सीटों को 2024 वाले मॉडल में आप 2 बार सेट कर सकते हैं, ये एक ही बार होती है। ये भी 60-40 में दी हुई है, लेकिन जो उसकी सीटें दी हुई है वो काफ़ी रिलैक्स फील करवाती है। बूट स्पेस दोनों गाड़ियों का सेम। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो इसकी सीटें को और पीछे नहीं कर सकते, लेकिन वो वाला फीचर 2024 वाले मॉडल में दिया हुआ, इसकी वजह से आपको काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं लंबे रूट पे, बहुत ही रिलैक्स फील करवाती है। दोनों गाड़ियाँ दोस्तों देखने में बहुत ही प्यारी लग रही हैं। आप मेरे को देख के ये बताना कौन से वाली गाड़ी आपको अच्छी लगी, 2024 या 2023। नए वाले क्रेटा देखने में बहुत ही प्यारी है, इसका इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम फील करवा रहा है, और जो फ्रंट और बैक है गाड़ी की वो बिल्कुल अलग हटके बना रखी है, देखने में डिजाइन बहुत ही प्यारा लग रहा है।
दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।